बहुत वैरायटी अलग अलग आपको मिल जाएंगी। क्या बात है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जा रहे हैं यहाँ पे, आप देखो बहुत सुंदर इनका डिस्प्ले लगा हुआ है। 3 साल हो गया, 3 साल से बहुत खूबसूरत मूर्ति है। मतलब अरे हम लोग ही पता नहीं, इतना हमने भी। अच्छा, अपना स्पेशलिटी ड्रेपरी है। हाँ, ड्रेपरी। अभी ये जो है ये कृष्णा अवतार, ये मूर्ति बहुत खूबसूरत बड़ी वाली है। ये कितने फीट में रहेगी? अभी अपने पास इको फ्रेंडली है, पीओपी भी है। आधा घंटा लगता है मैक्स टू मैक्स। उसमें छोटी मिलेगी सर? मिलेगी। एक मूर्ति मैंने मिस कर दी, बट इस तरफ देखिए। वेलकम बैक टू चैनल अक्षय। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो गाइस, आपको पता है अपना गणपति बप्पा सीरीज चल रहा है और मैं अभी हूँ मुंबई के करी रोड। यहाँ पे गणेश संकुल है। करी रोड स्टेशन से आप जब लालबाग की तरफ जाते हो, बस ब्रिज उतरो, आपको लेफ्ट साइड में गणेश संकुल दिखेगा, वहाँ पे मैं आया हूँ। उसका रीज़न ये है ना, ये देखो यहाँ पे है श्रेया आर्ट्स। और श्रेया आर्ट्स ना यहाँ पे पिछले 2 या 3 साल से हम जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे, बट उसके पहले अगर आप चैनल से न्यू हो जरूर सब्सक्राइब कर देना और बताना हमारे गणपति बप्पा की जो सीरीज चल रही है वो कैसी है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखो बहुत सुंदर इनका डिस्प्ले लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सुंदर मूर्ति है और ये इनका स्पेशलिटी है ड्रेपरी। तो हम अंदर जाने वाले हैं। कुछ मूर्ति यहाँ पे भी देखो, जैसे कृष्णा अवतार में मूर्ति है, बहुत खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पे। प्लस जो भी आप मूर्ति बोलोगे ना उसको आपको आपके चॉइस के हिसाब से ड्रेपरी करके मिलेगा। यहाँ पे बाजीराव पेशवा पैटर्न है, ऊपर कृष्णा अवतार में बाल गणेश में छोटी मूर्ति है जिसके ऊपर आप देख सकते हो बाल जो होते हैं ओरिजिनल हेयर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे गौराई है। तो अंदर जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपको इस ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो हमारा सीरीज अभी मुंबई में भी चल रहा है। अगर आपको चाहिए कि किसी एक गणपति बप्पा का स्टॉल या कारखाने की वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे वो वीडियो बनाने की। चलो अंदर जाते हैं। सो गाइस, अभी हम श्रेया आर्ट्स के अंदर है। यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत गणपति बप्पा की मूर्ति आपको इस वीडियो में आगे देखने मिलने वाली है, क्योंकि आपने डिस्प्ले देखा इनका बाहर का बहुत खूबसूरत है और ड्रेपरी है। तो उसके लिए हम आए हैं श्रेया आर्ट्स। हमारे साथ गीता मैम है। मैम गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? अच्छे हो। तो बहुत खूबसूरत मूर्ति है आपके यहाँ पे। तो ये अराउंड कितने सालों से अपना ये श्रेय आर्ट्स? ये 3 साल हो गया, 3 साल से चालू है हम लोग। ओके, तो एड्रेस इसका करी रोड के ऑपोजिट ना? हाँ। गणसंकुल से बात होना। ओके, तो यहाँ पे हम 3 साल से। तो आपका ये कारखाना यही पे है या कहीं और है आपका? मानकुर में भी है और पेन में भी है, दो जगह पे। हाँ, दो जगह पे। हम यहाँ पे अपना डिस्प्ले होता है प्लस डायमंड वर्क। हाँ, डायमंड वर्क। क्या बात है। तो गाइस आप देखो यहाँ पे बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ है। तो मोस्टली आपने यहाँ पे मतलब घर के लिए मूर्तियाँ है या इसके लिए भी रहेगी? घर के लिए भी रहता है और मंडप के लिए भी रहता है। मंडप के लिए भी रहता है, मतलब यहाँ पे मतलब 3-4 फीट की जो होती है वो घर पे भी बिठाई जाती है? घर में भी बिठाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो ऐसे 3 फीट की मूर्तियाँ घर पे बिठाते हैं, क्योंकि ज्यादा फीट का रहता है ना ये मंडल में जाता है। ओके, मतलब जो सोसाइटी है अभी नई बिल्डिंग बनी है उसमें। तो अपना स्पेशलिटी ड्रेपरी है। हाँ, ड्रेपरी। क्या होता है, कौन मानता है, आप ही करते हो? हाँ, मैं ही करते हूँ। क्या होता है, योगेश सर भी होते हैं? हाँ, योगेश सर। हाँ, योगेश सर भी हेल्प करते हैं। राइट, नहीं बहुत बढ़िया। तो आप देखो गाइस यहाँ पे बहुत सुंदर मूर्ति है, जैसे ये ड्रेपरी वाला गणेश। यहाँ पे देखो ये मतलब विट्ठल अवतार में है, प्लस इसका टेलक देखिए, प्लस इसके ऊपर डायमंड वर्क भी, मतलब ये डायमंड वर्क हो गया, ड्रेपरी हो गया, अपने चॉइस के हिसाब से बना के मिल जाएगा। हाँ, अपने चॉइस से ऊपर से बना के देते हैं और कस्टमर भी बोलेगे ना हम लोग को ऐसा ऐसा चाहिए तो ये भी बना के देते हैं। क्या बात है। यहाँ पे देखिए ये वाली मूर्ति बहुत खूबसूरत है, ये पुणे का दगड़ूशेठ बप्पा। यहाँ पे आप देखो इस मूर्ति को कुछ नाम दिया आपने? हाँ, कृष्णा अवतार। ओके, इसको अगर ड्रेपरी करेंगे तो महादेव अवतार में भी हो जाएगा ना? हाँ, इसके ऊपर ये पूरा मतलब ड्रेपरी के आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, यहाँ पे देखो ये कलर कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत खूबसूरत, जैसे अभी कलर कॉम्बिनेशन हो गए इसके। अपने पास ये इस साल गाइज ये मूर्ति आपको दिखानी थी, ये पुणे में बस एक ही स्टॉल पे, बट यहाँ पे मेरे को दिखाई दी है श्रेया आर्ट्स में। तो इसको बोला जाता है वल्लभ पैटर्न, इसमें गजमुख, ये देखो यहाँ पे म्यूजिकल गणेशा। अभी ये जो है ये मल्लार पैटर्न में ना? हाँ, मल्लार। मल्लार तो ये फेटर रेडीमेड होते हैं या आप बनाते हो? नहीं, हम लोग बनाते हैं। आप लोग बनाते? हाँ, हम लोग बनाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जैसे और भी वैरायटी है इसमें। ओके? बहुत वैरायटी है। अभी जो बुकिंग हुआ है तभी ऊपर रखे, नहीं तो तुमको वैरायटी पूरा मिल जाता था। मतलब पेशवा का, राधा कृष्णा का फेटर रहता है ऐसा। राइट, परत अपना मल्लार जी। ओके, ये पीछे वाला कौन सा वाला? ये अपना फक्त सादा फेटा। ओके, सादा फेटा। हाँ, सादा फेटा, म्हणजे त्याला तुरा नाही ते। हाँ, पगडी टाइप। पगडी टाइप में। और ये देखना, ये अपना कृष्णा अवतार। कृष्णा अवतार। ये मूर्ति बहुत खूबसूरत बनाई, ये देखो ये कृष्णा अवतार में है गाइस, बहुत खूबसूरत मूर्ति है। अगर आपने देखा होगा पुणे के बहुत सारे स्टॉल्स पे है, वहाँ पे ड्रेपरी नहीं की है, बस एक जगह पे उनमें
वो फेदर्स लगे, पीकॉक के फेदर्स है ना, फेदर है वो फेदर लगा है, बट यहाँ पे ड्रेपरी करके रखा है, इतनी खूबसूरत लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट। तो ये देखिए, जैसे ये पैटर्न का फेटा है या नॉर्मल वाला है? अपना नॉर्मल फेटा, नॉर्मल फेटा है ना? हाँ, नॉर्मल फेटा। ये डायमंड वर्क। तो अपने यहाँ पे कितने फीट से लगे, कितने फीट तक गणपति बप्पा है? डेढ़ फीट तक, चार डेढ़ से चार फीट तक, चार फीट तक है। मोस्टली घर के लिए एक स्पेशल कारखाना है। अभी आपने अभी से डिलीवरी वगैरह होता है? डिलीवरी नहीं होता, बॉक्स पैकिंग कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर कोई ये देख रहा है पुणे से तो यहाँ पे वो बॉक्स पैकिंग अच्छा करके मिल जाएगा। पैकिंग बहुत अच्छा करके देते हैं और गणपति को करके वो सब। ओके, बबल रैप है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये एक मूर्ति देखो, जैसे कि अपना चंद्रयान गया है उसमें बड़ी वाली है, ये कितने फीट में रहेगी? ये तीन फीट की है, तीन फीट की है। उसके ऊपर भी ड्रेपरी करके रखी है, बहुत खूबसूरत। जैसे ये देखो फेदर्स लगा है, पीकॉक फेदर्स, और एक डायमंड वर्क आ रहा है उसमें। ओके, उसके ऊपर डायमंड वर्क भी आएगा, डायमंड वर्क करना है उसको। ओके, बहुत सही। जैसे ये वाली मूर्ति अभी देखो, बहुत खूबसूरत है। इस तरह भी आप देखो, अलग अलग पैटर्न में गणपति बप्पा की मूर्तियाँ है। तो मोस्टली मेरे को लग रहा है ना, ये अपना मुंबई पैटर्न जो है, जैसे ये ओपन मूर्तियाँ होती है बड़ी वाली, ऐसे लगती है, मतलब जो ह्यूज लगती है, मराठमोड़ी। ओके, तो यहाँ हमारे यहाँ पे पुणे में एक्चुअली मुंबई पैटर्न बोला जाता है, बट एक्चुअली ये मराठमोड़ी है, तो मैं ये वर्ड यूज करूंगा हमेशा, मराठमोड़ी मूर्तियाँ है। अभी अपने पास इको फ्रेंडली है, पीओपी भी है, दोनों भी है, दोनों भी है। तो पीओपी ज्यादा है ये इको फ्रेंडली? पीओपी ज्यादा है, इको फ्रेंडली कम है। ओके, बट अपने पास इको फ्रेंडली भी मिल जाएगा, उसको ड्रेपरी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो मैम ड्रेपरी कहाँ पे करते हो आप इसका? इसका ये देखो इधर किया है। ओके, ये वाले है क्या? हाँ, इको फ्रेंडली में। अरे वाह, ये वाला किया है। ओके, तो बुकिंग है वो ऑलरेडी? हाँ, ये बुकिंग है और फेटा भी होता है। ओके, फेटा भी होता है, बहुत खूबसूरत है। ये देखो फेटा भी है, ये वाली मूर्तियाँ इको फ्रेंडली में है ना? तो मेरे को लग रहा है बहुत सारी मूर्तियाँ ऑलरेडी बुकिंग है अपनी। हाँ, बुकिंग। ये देखो इस तरफ बहुत सारी इको फ्रेंडली में है, जैसे ये मतलब विट्ठल अवतार, ये देखो इसमें, ये वाली भी बहुत खूबसूरत है, मतलब ये घर पे बिठाते हैं ना ये। हाँ, बहुत सही। ये इको फ्रेंडली में पीओपी। अभी इनका स्टार्टिंग रेंज टू मैक्स टू मैक्स रेंज क्या रहेगा ऐसे? डेढ़ फीट का है ना सर जी, डेढ़ फीट का मेरे पास छः के ऊपर है। ओके, के ऊपर है, राइट। और दो फीट का है वो साढ़े सात आठ के ऊपर है, साढ़े सात आठ के ऊपर। मेरी रेंज आएगी शायद 14,000-15,000 के आसपास है, आसपास है, क्योंकि हर मूर्ति के ऊपर वर्क अलग अलग किया हुआ है, राइट। वर्क के हिसाब से रेट्स रहेंगे लगाए। बहुत सही। जैसे आप देखो यहाँ पे भी बहुत सुंदर मूर्ति है गणपति बप्पा की। तो गाइज स्पेशली ना मैं बोलना चाहता हूँ, करी रोड स्टेशन आप आ रहे हो, ये वाला जो स्टॉल है श्रेया आर्ट्स, यहाँ पे जरूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत सुंदर ड्रेपरी की जाती है। और कितना टाइम लगता है मैम ड्रेपरी करने में? आधा तास, आधा घंटा, आधा घंटा लगता है मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम। क्या बात है, इसकी वजह से इतनी सारी मूर्तियाँ बना के रख दी है, क्या सही। क्योंकि पुणे में ना गाइज आपको पता है 4-5 घंटे एटलीस्ट, दो दिन पहले बोलना पड़ता है, फिर उसके बाद 5-6 घंटे वो लग जाते हैं बनाने में। और सारा काम यहीं पे होता है? नहीं, यहाँ पे भी होता है, आधा काम अपना दूसरा कारखाने में, मानकुर में भी होता है। ओके, अगर कोई मेरे को मतलब समझो, फॉर एग्जांपल किसी को ये वाली गणपति बप्पा की मूर्ति पसंद आई सामने वाली, अच्छा, और जितनी भी वीडियो में मूर्तियाँ पसंद आती है, फॉर एग्जांपल कोई स्क्रीनशॉट निकाल के भेजेगा, तो बुकिंग हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगा, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगा। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली गाइस, अगर किसी को कोई गणपति बप्पा की मूर्ति इस वीडियो में पसंद आई होगी, मैं वापस एक बार आपको सारी मूर्तियाँ दिखाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, वीडियो सेव करके रखना, और इनको व्हाट्सएप नंबर, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है आपका? यस। क्या नाम से? श्रेया आर्ट 55। तो उस आईडी पे भी मेंशन करेंगे तो मिल जाएगा बुकिंग। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपको मैं सारा डिस्प्ले भी दिखाता हूँ, प्लस इनका गूगल लोकेशन कॉन्टैक्ट नंबर सारे डिटेल्स इस वीडियो में है। तो अगर कोई देख रहा है विजिट करना। हर साल कितने दिन पहले लगता है अपना ये कारखाना? दो महीना पहले ना, तो इनके तभी आएगा तो बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे ना? ऑप्शन बहुत बहुत वैरायटी अलग अलग आपको मिल जाएंगी। क्या बात है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, बहुत सही, मतलब हम लोग भी कंफ्यूज होते दिखाने के लिए, भाई ये अच्छा है, इससे और अच्छा है बेटर, राइट, वो उससे बेटर है, उससे बेटर, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता है कि मतलब हमने क्या इसको वर्क किया है, राइट, मतलब अरे हम लोग को ही पता नहीं, मतलब इतना हमने भी अच्छा बन गया है, मतलब अच्छा लुक चेंज होता है ना, जैसे कि अभी देखो वो मूर्ति देख के दूसरा मूर्ति उससे अच्छा करने का मोटिवेशन मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, राइट। नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे है ना बहुत खूबसूरत गणपति बप्पा की मूर्तियाँ है, जैसे ड्रेपरी अलग अलग है, पैटर्न्स अलग अलग है, हर एक गणपति बप्पा का लुक अलग है। ऊपर भी देखिए, जैसे कि ये कृष्ण अवतार में है, इस तरह भी मराठमोड़ी मूर्ति जिसे बोला जाता है ये वाली है। ऊपर अगर आपको चाहिए छोटी में, तो छोटी में विद सिंहासन भी है,
फैंसी मूर्तियाँ जैसे कि यूनिक थीम होती है उसमें भी अवेलेबल है। अभी ये चंद्रयान है मैम, तो उसमें अवेलेबल है अपना छोटे वाली रहेगी तो बुक्ड है। तो इस साल बड़ी वाली अवेलेबल है सर। राइट, तो वो बड़ी वाली है। प्लस इस तरफ देखिए बहुत खूबसूरत मूर्ति है, जैसे ये वाली एक मूर्ति बहुत बेस्ट है। एक मूर्ति मैंने मिस कर दी, बट इस तरफ देखिए ये वाली, जैसे कि इसका जो पैटर्न है, फिनिशिंग है, जो फर लगे हुए है, बहुत खूबसूरत है। तो सर अपना टाइमिंग क्या रहता है? और सुबह 10 बजे से रात को 12:30 बजे बंद कर, 12 बजे तक। हाँ, और ये अभी पूरा चालू रहेगा, मतलब पूरा 19 तक। सो गाइज, अगर किसी को टाइम मिलता है यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। और हमारा वीडियो पसंद होगा तो श्रेय आर्ट, जो कि करी रोड स्टेशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, घना संकुल में, वहाँ पर जरूर विजिट करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग।